1501 1501 है। चल रहे होंगे अभी तो, लेना तो ले लेना, ऑफर तो चला गया होगा, बल्कि अब तो दिवाली भी चली गई, लेकिन क्या पता अभी भी चल रहा होगा, ले लो। नदियों के बारे में हम कर चुके हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, लिखो आप लोग हेडिंग, भारत का अपवाहतंत्र। क्यों, क्या होगा? पैसे मिलेंगे? पूजा कौन करेगा? आप? और पैसे कौन देगा? पिताजी? आधे आधे कर लेना। आधे आधे करते ही लड़की सहम गई है, कुछ बोलना नहीं चाहती, दो शब्द। ध्यान सुनना आप लोग, भारत में जो नदियां, चले जाना चले जाना, भारत में जो नदियां होती है ना, देखो भारत में लगभग 4000 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं, ठीक है, लेकिन हमें भारत में जो नदियों के बारे में पढ़ना है वो दो हिस्सों में पढ़ना है, पहला नॉर्थ इंडिया की नदियां और दूसरी साउथ इंडिया की। अब नॉर्थ इंडिया की ना तीन नदियां मेन मेन है जो हमें पढ़नी होती हैं, कौन कौन सी वो देख लो आप लोग। चलो ये ले लेते हैं। देखो सुनो, नॉर्थ इंडिया की जो नदियां होती है ना, ये वाली, इसमें तीन नदियां मेन है, एक है हमारी सिंधु नदी जिसके बारे में पढ़ना है, दूसरी हमारी गंगा नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और साउथ इंडिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो दो हिस्सों में पढ़ेंगे, वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर भारत की नदियां
इसमें तीन आती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और दूसरी है दक्षिण भारत की नदियां। आप चले जाओ जाना चाहते हो तो, आप बनने लगे तुम्हारा यहाँ पे। बाकियों को भी पूजा करनी है क्या? अच्छा नहीं, फिर रहन दो, आगे नहीं करेंगे फिर। ये तो अभी शुरू ही हुआ है, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है।